इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जी हां, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करें, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट में अपनी अर्जी कीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी की थी, उसी के सिलसिले में आज सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को एक घोटाले में सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, और अरविंद केजरीवाल ने भी वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। आज सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ बेल पिटीशन पर सुनवाई कोर्ट में हो सकती है।